जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए हमने 1 kg चिकन ले लिया था, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने पतीली में पानी डाल के, हल्दी डाल के इसे उबलने के लिए रख दिया है। इससे ये होता है कि चिकन के जो जितने भी जरासीम होते हैं वो सारे उबलने से निकल जाते हैं। जब चिकन उबलेगी तो सारे जरासीम निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है गाइस। उसके बाद हम आपको फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये देख सकते हैं आप, ये पानी में रख दी है हमने, ये उबल रही है अब ये, ठीक है। इसको उबलने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ एंड ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको, ठीक है। ओके 2000 years later। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टमाटर और प्याज काट ली है। ग्रीन चिली हम एंड में ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। और वो तो बड़ी बड़ी डलती है कढ़ाई में कट के। तो आप ये देख सकते हैं मैंने प्याज किस शेप में काटी है और ये टमाटर, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा ऑयल डाला, ऑयल के अंदर टमाटर डाल दिए एंड टमाटर के साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने प्याज ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कैसे मिक्स हो रही है। हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे एंड बहुत इजी रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें प्लीज़। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप देख रहे हैं प्याज, ये प्याज थोड़ा रंग चेंज कर लेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर दी है, ठीक है। ग्रीन चिलीज हमने काटी नहीं है, साबुत साबुत रखे हैं ताकि इनका टेस्ट ऐसी आए। देख सकते हैं हम अब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है, अब हम इसे घुमाएंगे, ठीक है। हम इसके फुल लुक आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में जब ये रेडी हो जाती है। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, कोई पानी ऐड नहीं करना है। इसको लाइट फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको रख देना है ताकि ये दम पे ही पक जाए, गल जाए, ठीक है गाइस। अब फुल लुक हम इसको दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई इज रेडी। एंड हम देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है एंड बाकी बहुत यमी है ये। अगर आपको मेरी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी न्यू हर अपडेट मिल सके। एंड अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं एंड मेरी वीडियो हो गई है पूरी। अब हम कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय। आप देख सकते हैं बहुत यहाँ my video is